हेलो, आई एम अजित सर ऑन इंग्लिश क्लब। टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड हाउ द पोएट रीच्ड अ पॉइंट वेयर द रोड्स डाइवर्ज इन टू डायरेक्शंस। ही पॉज्ड देयर कंफ्यूज्ड व्हिच वे इज बेटर टू टेक फॉर हिम। फाइनली ही टुक वन एज इट वाज नॉट यूज्ड बाय मेनी पीपल। दिस वाज द रीजन फॉर हिज सिलेक्शन। बट सरप्राइजिंगली व्हाट ही फाउंड नेक्स्ट मॉर्निंग वाज यूनिफॉर्मिटी एंड सिमिलैरिटी। The two very roads were full of green grass. There was no difference between the two roads. Now come to discuss a stanza. Stanza 4. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. Here sigh means deep breath, and hence here in the future, and ages means sometimes in the past. Here I means poet, and one here means path. In this stanza, Robert Frost says that sometime in the coming days, in future, he will take a deep breath and realize once upon a time he had fallen in such a situation when he had two choices for him, and he took the path which had been traveled upon by very few people, and that's why he selected the one road. Because the path was traveled by very few people. That was the significance of that road, and that's why he took that road. And this was the thing that made all difference, because that decision of the poet decided his future of life. That's why he said it here that I shall be telling this with a sigh. मतलब यह है कि पोएट यह कहना चाहता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में कभी ऐसा वक्त आएगा जब मैं यह सोचूंगा, जब मैं रियलाइज करूंगा एक गहरी सांस लेते हुए कि कभी एक वक्त था पास्ट में कि जब मैं ऐसे सिचुएशन में पड़ गया था, ऐसे मोड़ पे था जिंदगी में जहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन थे और उस ऑप्शन में हमें एक चूज करना था, एक सेलेक्ट करना था, और पोएट ने वो रास्ता अख्तियार किया जो रास्ता कम लोगों के द्वारा चला गया था या जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चले थे। इसलिए और ये खास वजह थी कि पोएट ने वो रास्ता चुना था, और यही एक डिसीजन था जिसने सारे डिफरेंस जो फर्क लाया दूसरे जो और लोग थे और जो पोएट था, दोनों के जो रास्ते चुने हुए थे उनमें जो सिग्निफिकेंस था, जो खास बात थी यही फैसला था उनका कि उन्होंने वो रास्ता अख्तियार किया जो बहुत कम लोगों के द्वारा चला गया था। एंड दिस वाज द थिंग दैट मेड ऑल द डिफरेंस। यही एक फैसला था उनका जिन्होंने उनकी ज़िंदगी को बनाया और यही फ़र्क लाया दूसरों की तुलना में। ये था इसका लिटरल मीनिंग। यानी कि हमें अगर हम इसे लाइफ से कनेक्ट करें तो हमारे जीवन में भी ऐसे मोड़ आते हैं। पोएट ने इनडायरेक्टली इस बात पे इंगित किया है, इशारा किया है कि हमारे ज़िंदगी में कई बार दो मोड़ ऐसे मोड़ आते हैं जहां हम दो चीज़ों के बीच में फंस जाते हैं और हमारे लिए फैसला करना तब मुश्किल हो जाता है कौन सा रास्ता हमारे लिए बेहतर है। तो हम उसमें बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं कि क्या हम उससे काम को कर पाएंगे, क्या हम उसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे, क्या वो डिज़र्व करता हूँ मैं, क्या वो मुझ में काबिलियत है या नहीं है। तो पोएट यही कहना चाहता है कि आप काबिलियत है नहीं है, ज़िंदगी को जीने के लिए दो ही रास्ते हैं। या तो आपने जिस रास्ते को चुन लिया है उस पर आप कड़ी मेहनत करें पूरे डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ। मुश्किलात आएंगी, समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन उन समस्याओं को साहस के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ उस पर उसका सामना करना है, और तब हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ज़िंदगी में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो,
चैलेंजेस ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे वो किसी का भी रास्ता हो। हर एक व्यक्ति जो रास्ता चुनता है उसके रास्ते में मुश्किलें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उसे हमें सामना करना पड़ेगा, और जो सामना कर पाएंगे वही जीत हासिल करेंगे। तो ये था टोटल हमारा कंप्लीट हुआ, आज अभी कंप्लीट हुआ हमारा यह पोम द रोड नॉट टेकन। यह ऐसा है कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है यह पोम। आप समझ सकते हैं कि इसमें प्रैक्टिकल लाइफ की बातें पोएट ने शेयर की है, हालांकि उन्होंने इस पोएम को मजाक में ही अपने दोस्त के लिए कहा था, लेकिन इस उनके इस पोम में इतनी गहरी बात है। ऊपर से तो दिखती है, बहुत ऊपर अगर देखें तो सीधी सी बात है कि एक जंगल रास्ता पोएट जा रहा होता है, जंगल रास्ते में जंगल पड़ता है, लेकिन तभी उसे डाइवर्जन मिलने के बाद फिर वो कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा रास्ता अख्तियार कर। ये तो ऊपर की बात है, बहुत ही सतह की बात है, लेकिन जो अंदर की बात ये है, पोएट ये कहना चाहता है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम जब रास्ता अख्तियार करते हैं तो वो आसान हो। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। हम जिस भी रास्ते को चुनें, जिस भी चॉइसेस को, जिस भी अल्टरनेटिव्स को हम अपने जीवन में लाएं या जिस पे भी हम चलें, तो यह मान के चलना चाहिए कि उसमें मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन उन सारी मुश्किलों का सामना हमें डट कर करना होगा, साहस से करना। वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेज विच विल फॉल इन आवर वे टू द गोल। तो हमारे गोल के रास्ते में जो भी चैलेंजेज आगे, उन्हें हमें सामना करना पड़ेगा, पूरी साहस से करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। या अभी पोम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, अब हम बात करेंगे इसके कुछ और पक्ष पे, और वो क्या पक्ष है हम नेक्स्ट देखते हैं।